नमस्कार। स्वच्छता के उदाहरण के रूप में यदि हम पिछले कुछ दशकों और वर्तमान में देखने जाएं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज कल्याण के लिए तन मन धन से स्वच्छता अभियान चलाया, जैसे हिमाचल के सिमोर जिले की रहने वाली किंकरी देवी। इस साधारण महिला ने जब खदानों के कारण वातावरण में हो रहे दुष्परिणामों को देखा, तो अनपढ़ होने के बावजूद इन खदान के मालिकों को वो कोर्ट तक लेकर गई। आज हम आपको इनके संघर्ष और बहादुरी भरे जीवन से अवगत कराएंगे। धन्यवाद। किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी पर्यावरण रक्षक जिन्होंने चूना पत्थर खदानों के उत्खनन के खिलाफ एक जंग छेड़ी। किंकरी देवी का जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में एक छोटे से गांव घाटों के बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। बचपन में ही उन्होंने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया था। 14 वर्ष की छोटी सी आयु में उनका विवाह शामू नाम के एक बंधुआ मजदूर से करा दिया गया, किंतु 22 वर्ष की होते होते वे विधवा हो गई और अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने सफाई कर्मचारी का काम करना शुरू कर दिया। अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने कई लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और उन्हें अनियंत्रित खनन के दुष्परिणामों के प्रति सचेत किया। दून घाटी में उत्खनन पर 1985 में प्रतिबंध लगने के बाद सिरमौर जिले में चूना पत्थर के उत्खनन का व्यापार पूरे जोरों से चलने लगा। अत्यधिक उत्खनन के कारण इस जिले के जलाशयों का पानी प्रदूषित होने लगा, खेती की जमीन खराब होने लगी और जंगल कम होने लगे। किंकरी देवी जो खुद अनपढ़ थी, वो इस जिले के आसपास उत्खनन के विरोध में आवाज उठाने और लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक बनाने के पीछे का मुख्य कारण बनी। उन्होंने अपनी लड़ाई की शुरुआत 1987 में एक स्वयंसेवी संस्था पीपल्स एक्शन फॉर पीपल्स इन नीड की मदद से शिमला हाईकोर्ट में एक PIL दायर करके की। यह मुकदमा वहां के 48 खदान के मालिकों के खिलाफ था। जो इस चूना पत्थर के उत्खनन के लिए जिम्मेदार थे। जब इस PIL पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो किंकरी देवी खुद शिमला गई और कोर्ट के आगे भूख हड़ताल पर बैठ गई। आखिरकार 19 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी ये लड़ाई सफल हुई और कोर्ट ने उत्खनन और पहाड़ों पर विस्फोट करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्चतम न्यायालय में इस केस को दोबारा खुलवाया गया, किंतु वहां भी किंकरी देवी के पक्ष में ही फैसला सुनाया गया। इसके बाद किंकरी देवी को एक प्रख्यात पर्यावरण रक्षक के रूप में पहचान मिली। 1995 में उन्हें बीजिंग के अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बुलाया गया, जहां हिलरी क्लिंटन ने उद्घाटन का दीप किंकरी देवी के हाथों से प्रज्वलित करवाया। 1999 में उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किंकरी देवी ने संग्रह गांव में डिग्री कॉलेज खुलने के लिए भी आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने अपने जीवन के कई साल बिताए थे। 2006 में आखिरकार यहां एक डिग्री कॉलेज खुला गया। 82 वर्ष की आयु में किंकरी देवी इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन अपने पीछे एक स्वच्छ वातावरण की धरोहर छोड़ दी। उनका जीवन इस बात का उदाहरण बना कि शिक्षा महज डिग्री से नहीं पाई जा सकती। एक आम अनपढ़ व्यक्ति भी अगर अपने आसपास के माहौल के प्रति जागरूक रहे, तो वह समाज में ऐसे बड़े बदलाव ला सकता है जो कई शिक्षित लोग भी नहीं कर पाते। हम सभी को किंकरी देवी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।